Hello friends, we were looking at the chapter Swaraj to Empire. In that, we were studying the point about the administrative system established by Shivaji Maharaj. Till before that, we saw that the Maratha War of Independence and how that Maratha had control over the India. Apart from Mughal, how Mughal were defeated and how Maratha rule extended. Now, we started with the administrative system established by Chhatrapati Shivaji Maharaj. इन दैट वी सॉ कि बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास क्या था, लाइक नासिक, पूना, सतरा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, ये था. कर्नाटक साइड से उनके पास क्या था, बेलगाम, कारवार, धारवाड़ था. आंध्रा के कुछ रीजन्स थे और तमिलनाडु का वेल्लोर उनके पास था. दिस ऑल कंप्रेस्ड ऑफ स्वराज. अभी ये पूरा ऐसे रूल करना अलोन इट वॉज नॉट पॉसिबल, सो ही डिवाइडेड द प्रोविंसेस. उसने अपना किंगडम डिवाइड किया. फर्स्ट वन वॉज नोन एज द फर्स्ट वॉज अबाउट द एक तो जस्ट जोग्राफिकली जो डिवाइड कर सकते थे वो वैसा था. कर्नाटक उसने पूरा अलग ही किया था शिवाजी महाराज ने, और प्लेटोस रीजन अलग किया था. इस तरह से उसने अपना, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथली फंक्शनिंग हो, इसलिए उन्होंने ये किया था, सब डिवाइड किया था. फिर राजा, मंत्री, सेक्रेटरी, ऑफिसर इन चार्ज, देन कमिश्नर, ये सब कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, सो दैट ईच वन कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेल एंड प्रॉपरली. देन वी सॉ कि बाबा किंग हिमसेल्फ यूज टू अपॉइंट अ किलेदार, दैट इज हु इज द कीपर ऑफ द फोर्ट, एंड करकुन एंड क्लार्क. और प्रधान जो है जो पूरा अकाउंट का देखता था, हाँ, ऑडिट अकाउंट जो प्रधान सब देखता था, उसको हर साल अपना एनुअल अकाउंट शिवाजी महाराज को सबमिट करना रहता था. सो दिस वॉज द प्राइम ड्यूटी. टिल हियर वी कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर. उसके आगे का विल स्टार्ट लुकिंग नाउ. सर सूबेदार टेकिंग केयर ऑफ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वेर नोन एज देश अधिकारी. अभी सर सूबेदार जो प्रोविजनल, जो प्रोविजन आपने बनाए हैं, प्रोविंसेस आपने बनाए हैं, उसका जो ध्यान रखता था, ही इज नोन एज देश अधिकारी. सी वी कैन जस्ट रीड दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन. Determining the grade of the land formed on the basis of the revenue system, the land revenue system introduced by Malik Amber of Nizamuddin was in practice. But Shivaji Maharaj introduced a new system. He fixed the measuring unit of khatti, like measuring sticks, for the measurement of the land. The length of this khatti was 5 cubits, like length of a forearm, and 5 closed fist. Based on this following unit, the described the area of 20 khattis was 1 bigha, and 20 bighas made 1 chandar. आज अपन बोलते हैं ना एकड़, ये वैसा है सारा घुंटा, एकड़, अपन सब ये मानते हैं ना, लैंड को डिस्क्राइब करते हैं, स्क्वायर फीट, जो अपन ने सारे नाम दिए, जो मेजरिंग्स के जो है वो उस वक्त शिवाजी महाराज के उसमें क्या बोलते थे, खट्टीज, बिघास, चावर्स. अंजानी दातो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड डिटरमाइंड वेरियस क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू सच एस धारा, चरवाना, प्रतिबंधी एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द एनुअल इट. चावराना मीन्स डिसाइडिंग द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाय मेजरिंग इट. असेसमेंट ऑफ लैंड इन द हिली रीजन्स वॉज नॉट डन एरिया वाइज बट ईल्ड वाइज. वाइल कलेक्टिंग द रेवेन्यू the quality of the yield was also taken into consideration along with the grade of the land. Revenue was fixed only after the calculation of the average yield of previous 3 years. Land such as barren land, jungle, grazing land, etc. were not counted for land revenue. There was a difference between the administration under the Islamic rule and the administrative system set by Shivaji Maharaj. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इस्लामिक रूल का अलग था, और अपना शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज डिफरेंट. सर सुभाष इन द स्वराज वेर मेंट टू बी द जोनल डिवीजन फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल अंडर इस्लामिक रूल अ डिवीजन मेयरली सर्व द पर्पस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. अभी सर सुभाष इस स्वराज में क्या था, इट वॉज मेड फॉर जोनल डिवीजन, लाइक जोन वाइज डिवाइड करने के लिए था, ताकि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके. पर इस्लामिक रूल में डिवीजन क्यों करते थे, ताकि रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो सके, कितना रेवेन्यू मिला, कितना रेवेन्यू आया, इन सब का प्रॉपर हिसाब हो सके,
इसीलिए इस्लाम के वक्त इस्लामिक रूलर के वह प्रोविजंस प्रोविंस वगैरह बनाए जाते थे। तो सर सूबेदार वेर असिस्टेड बाय देशमुख एंड देश पांडेस। अभी जो सर सूबेदार है, जो जोनल डिवीजन हेड वगैरह था, उसको कौन असिस्ट करता था? ही वॉज असिस्टेड बाय देशमुख एंड देश पांडेस। द मेन टास्क ऑफ देशमुख वॉज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू टू डेवलप वेस्ट लैंड इन टू कल्टिवेबल लैंड एंड सेटल न्यू विलेज। अभी जो मेन टास्क देशमुख का क्या था? द मेन टास्क ऑफ देशमुख वॉज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना देशमुख का टास्क था, और जो वेस्ट लैंड है वो कल्टिवेशन के अंदर लेने का और नया विलेज सेटल करने का। लाइक सपोज ये इतना सारा एंड लैंड ऐसे ही पड़ा है, नया लैंड मिला है, इतना सारा लैंड है ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, कोई इस पर यूज़ नहीं कर रहा है, तो क्या करने का? वो लैंड का टेस्टिंग वगैरह करते थे, थोड़ा सा देखते थे ऐसे ही वो हाथ में लेके स्मेल करके, उनको उस वक्त लैंड समझ में आ जाती थी उन लोगों को। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो लैंड अगर कल्टिवेबल है तो व्हाट दे यूज्ड टू टेल कि बाबा यहाँ पे कल्टिवेबल लैंड है, अभी जिनके पास कुछ नहीं है काम, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे वो लोग आके सेटल हो जाते थे और एक छोटा सा विलेज सेटलमेंट हो जाता था वहाँ पे। एनीवेज, ऑल गवर्नमेंटल ऑफिसर रिसीव्ड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स। अभी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी किस बेसिस पे मिलती थी? दे यूज्ड टू गेट सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब विलेज क्या था? ये बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, ये एक बेस था। लाइक सब विलेजेस में डिवाइड कर दो, आज भी अपने देखते हैं ना विलेज अपने यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल पे करता है, उस वक्त भी विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। न्यू विलेजेस वेर सेटल्ड। अब नए नए विलेजेस सेटल होने लगे। द पीपल वेर प्रोवाइडेड विद कैटल्स, सीड मनी, मनी फॉर डेली यूटिलिटीज। अब लोगों को क्या मिलने लग गए? अभी नए विलेज सेटल हुए, उनको काम भी तो अच्छे से होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू सेटल इन देयर वर्क। सो दे यूज्ड टू गेट कैटल, सीड मनी, मनी फॉर डेली यूटिलिटीज। द फार्मर वॉज गिवन पीरियड ऑफ 2 years टू रीपे द एडवांस आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट। अभी फार्मर वहाँ पे सेटल कर दिया अपन ने, और फार्मर को अपन ने सीड दे दिए, कैटल दे दिए थोड़े बहुत, तो फार्मर का काम क्या होता है? फार्मर में सब अच्छे से यूटिलाइज करने का, और 2 साल का टाइम दिया जाता था फार्मर को टू रीपे द लोन एडवांसेस जो भी उसने लिया रहता है, जो भी उसको ये कैटल्स फ्री में वगैरह मिले हैं, सीड्स वगैरह मिले हैं, वो प्रॉपर अच्छे से कल्टिवेट करो और 2 साल से दे हैव टू रिटर्न। दिस सिस्टम वॉज नोन एज बतराई सिस्टम। अब ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम इज नोन एज बतराई सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीज ऑफ शाहू महाराज। द मुगल कंटिन्यूड द एफर्ट टू डिफीट द मराठा इवन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अभी मुगल क्या कर रहे थे? मुगल वे ट्राइंग कंटिन्यूसली, दे वे ट्राइंग टू डिफीट द मराठास। अब औरंगजेब का डेथ हो गया, बट देन टू दे वे ट्राइंग टू डिफीट द मराठास। फॉर दैट पर्पज दे अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइडिंग द मराठास। अभी मुगल को फिर भी अपना कब्जा करना ही है इंडिया पे, तो व्हाट दे स्टार्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइडिंग द मराठास। दे रिलीज शाहू महाराज फ्रॉम कैप्टिविटी इन 1707 CE। अभी शाहू महाराज जो उनके कब्जे में थे, मुगल के कब्जे में थे, उनको उन्होंने रिलीज किया। आफ्टर हिज रिलीज देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाहू महाराज। अभी जैसे ही शाहू महाराज रिलीज हो गए, उनके इसमें कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया ताराबाई और शाहू महाराज के बीच। ये शाहू महाराज किसके बेटे थे? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी महाराज, राइट? संभाजी के बेटे थे, संभाजी वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज। सी महाराज, शिवाजी महाराज की फैमिली माइट बी नोइंग, शाहजी राजे का बेटा शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का बेटा शाहू महाराज, शाहू महाराज का बेटा संभाजी महाराज का बेटा है शाहू महाराज। अब शाहू महाराज को उन्होंने रिलीज किया, तो अभी ताराबाई और शाहू महाराज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। शाहू महाराज वोन द एंश्योरिंग बैटल। एनीवे शाहू महाराज ने ये जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो जीत गया। बालाजी विश्वनाथ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन बिहाफ ऑफ शाहू महाराज एंड लेटर ही वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा। शाहू महाराज तो उसमें शाहू महाराज की जीत हो गई,
और ये बालाजी विश्वनाथ ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल. तो शाहू महाराज ने उसको एज अ पेशवा अपॉइंट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज द पेशवा पीरियड. आफ्टर विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ हिज सन बाजीराव वन वॉज अपॉइंटेड एज अ पेशवा. अभी पेशवा पीरियड स्टार्ट हो गया है. ये शिवाजी महाराज का सब रूल वूल सब खत्म हो गया है. नाउ पेशवा हैड एंटर्ड. अब बालाजी विश्वनाथ हिज सन बाजीराव वन ही वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा. ही एक्सपांडेड द मराठा एम्पायर अप टू मालवा राजस्थान एंड बुंदेलखंड. अब उसने क्या किया, पेशवा ने क्या किया, उसने अपना मराठा एम्पायर एक्सटेंड किया टिल मालवा राजस्थान एंड बुंदेलखंड. ही डिफीटेड द निज़ाम, उसने निज़ाम को भी डिफीट किया. आफ्टर बाजीराव वन बालाजी बाजीराव अलाइस नाना साहेब वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा. अभी बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव नाना साहेब का ये रिश्तेदार था, उसको अपॉइंट किया एज अ पेशवा. मीनवाइल द मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. अब इतने में क्या हो गया, द मराठास गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत. द मराठा रूल बिकेम वीक. अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, अब थर्ड बैटल में मराठा हार गए, अब मराठा रूल क्या हो गया, वीक हो गया. माधवराव पेशवा ट्राइड टू री एस्टैब्लिश द मराठा पावर. वॉट माधवराव पेशवा डिड, ही ट्राइड टू री एस्टैब्लिश द मराठा पावर. द डिफीट इन पानीपत वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डिफीट बट इट ऑल्सो लोवर्ड द मॉरल ऑफ द मराठास ग्रेटली. अब जो डिफीट हुआ था पानीपत में वो सिर्फ पॉलिटिकली डिफीट नहीं था, उससे क्या हो गया, जो मोटिवेशन था मराठास में, जो मॉरल्स थे, वो भी सब क्या हो गए, वो भी सब लो हो गए. अब जो मराठास बोल के उनको प्राउड था, जो उनका एक गुरूर था मराठास बोल के, वो भी सारा लोअर हो गया, वो भी सारा कम हो गया. अभी माधवराव पेशवा ट्राइड टू इवेल्युएट द स्पिरिट ऑफ मराठास एज वेल एज री एस्टैब्लिश द मराठा पावर इन द नॉर्थ. अब व्हाट दिस माधवराव पेशवा डिड, माधवराव पेशवा ही ट्राइड टू रीबिल्ड द स्पिरिट ऑफ मराठास. सिर्फ मराठास का स्पिरिट जो है वही रीबिल्ड नहीं किया, उसने मराठा पावर भी रीबिल्ड करने की ट्राई की इन द नॉर्थ. फिर माधवराव पेशवा का कितना टफ टास्क था, लाइक लोगों में जो मराठा का फीलिंग था वो भी डीमोरलाइज हो गया, उसको उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया, लोगों में वो स्पिरिट वापस जगाया, और पूरा मराठा पावर भी उसने वापस पूरा रीएस्टैब्लिश किया इन द नॉर्थ. द मराठास वर सक्सेसफुल इन ओवरकमिंग द ग्रेट डिफीट ऑफ पानीपत एंड क्रिएट अ पॉलिटिकली स्ट्रांग पोजिशन फॉर देमसेल्फ इन द पॉलिसी ऑफ द नॉर्थ. अब क्या हो गया, अब मराठा में वापस वो जागृत हो गई भावना, वो स्पिरिट जो था वो सब जागृत हो गया, वापस पूरा मराठा पावर रीएस्टैब्लिश हो गया. तो अब क्या हो गया, मराठा ने वो जो डिफीट हुई थी वो ओवरकम की, दे गॉट सक्सेसेड इन द डिफीट. पानीपत का जो उनका डिफीट था वो वापस जीत गए, और उन्होंने अपना पोजिशन वापस स्ट्रॉन्ग किया इन द नॉर्थ. दिस फैक्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैक्टर क्या था, बहुत ज़रूरी था. मल्ला राव होलकर, आलिया भाई होलकर, रघुजी भोसले, महाड़जी शिंदे, नाना पेडवनीस प्लेड अ ग्रेट रोल इन द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मराठा इन्फ्लुएंस. अभी पूरा मराठा पावर अब वापस रीएस्टैब्लिश करना, दैट वॉज नॉट अ जोक एट दैट टाइम. और ये अकेला हो सकता है क्या, नहीं, उसके अंदर और भी बहुत से लोग थे, जैसे मल्ला राव होलकर, रघुजी, देन अखिल भाई, अलिया भाई, महादाजी, इन सब ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. मल्ला राव वॉज द फाउंडर ऑफ द होलकर स्टेट एट इंदौर. अभी जो मल्ला राव है ना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द होलकर स्टेट एट इंदौर. ही सर्व द मराठा पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो मराठा पावर के साथ बहुत टाइम से थे. ही हैड अ ग्रेट शेयर इन एस्टैब्लिशिंग द मराठा प्रेस्टिज इन द नॉर्थ. उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मराठा पावर वापस एस्टैब्लिश करने में नॉर्थ में. आफ्टर द डेथ ऑफ खंडे राव सन ऑफ मल्ला राव, अलिया भाई होलकर अज्यूम द रीगेन रेंज ऑफ इधर एडमिनिस्ट्रेशन. अभी क्या हो गया, अभी ये खंडे राव, ये ही वॉज द सन ऑफ मल्लार राव, अब उसकी डेथ हो गई, तो आलिया भाई ने व्हाट शी डिड, शी टुक द इंदौर का एडमिनिस्ट्रेशन विथ हर.
Arab she started looking after the administration of the Indore. Maheshwar was the seat of administrator under her. उसके अंदर कौन था? उसके अंदर भी महेश्वर था जो देखता था. She built temple, ghat, dharamshalas and drinking water facilities at various pilgrim centers. Now, अभी आल्याबाई होलकर what she did? She started building temple, ghat, dharamshalas और drinking water facilities at various pilgrim center. मतलब जहाँ पे pilgrim center मतलब जहाँ पे अभी पंडरपुर क्या, इट इज़ वन ऑफ द पिलग्रिम सेंटर. अभी यहाँ से वो बाहर कर ही निकलते, उनकी अपन सेवा नहीं करते क्या? वी गिव देम फूड, वी गिव देम प्लेस टू लिव एंड ऑल. सो इवन शी स्टार्टेड बिल्डिंग द घाट, धर्मशालाज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड वेरियस प्लेसेस. शी वॉज अ केपेबल, एस्यूड एंड एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर. केपेबल थी, एस्यूड मतलब होशियार थी, करेजियस, करेजियस होशियार. So she was very capable, excellent administrator. Raghuji Bhosle was the most capable ruler among the Bhosles of Nagpur. Abhi Raghuji Bhosle, he was the most capable ruler among the Bhosles of Nagpur. He brought the region in the eastern India up to Bengal under the Maratha dominance. Abhi usne kya kiya? Jo eastern region tha India ka, Bengal tak to jo tha, उसने मराठा डोमिनेंस में लाया, मराठा रूल में लाया. आफ्टर द मिजरेबल डिफीट ऑफ द मराठा एंड पानीपत, महादाजी शिंदे वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन री एस्टेब्लिशिंग द मराठा सुप्रीमेसी एंड प्रेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया. अब क्या हो गया, जब मराठाज डिफीट हो गए पानीपत के युद्ध में, हाँ, तब ये शिंदे ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वापस मराठा एस्टेब्लिश करने में, री एस्टेब्लिश करने में he played an important role. Now should we read that? For additional information, the Pathans from Afghanistan had settled at the foothills of the Himalayas near Ayodhya province. These Pathans were known as Rohilyas. This province later came to be known as Rohilkhand. Nazib Khan was the leader of the Rohilyas. He was not happy with the supremacy of Marathas in the North India. He invited Ahmad Shah Abdali, the ruler of Afghanistan, to India. At the behest of Nazib Khan, Abdali invited India. He returned to Afghanistan with a huge booty. However, the Marathas pursued Abdali's soldier up to attack and raised the Maratha standard successfully. Atok is presently in Pakistan. So, moving towards the Bhosles. अब क्या हो गया, महाराजा शिंदे वॉज ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल वापस री एस्टेब्लिश करने में मराठास में. ही ट्रेंड आर्मी एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्टिलरी अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट बेनॉट दी बॉग्नी. अभी इसने व्हाट ही डिड, उसने अपनी आर्मी अच्छे से बनाई. हाँ, व्हाट शिंदे डिड, उसने अपनी आर्मी अच्छे से बनाई. He tried to use the modern archery under the guidance of French military expert. उसका नाम क्या था? बेतोजी बोइनी. उसके नाम, he was the officer who helped him in getting the proper training and all. Now, Madaji managed the difficult affairs with strong. Maharaji managed the difficult affairs with strong determination and remained in charge of Delhi affairs during 1771 CE. Now what happened? Maharaji, he managed, he did, कोई भी difficulties आने थे, he tried to manage, he remained strong. और दिल्ली का in charge उनके पास था, तब during 1771 CE to 1794 CE. नाना फडणवीस एंड महाराजी शिंदे सेट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट राइट आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा महादेवरा. ये नाना फडणवीस और महाराजी शिंदे, उन्होंने प्रॉपर सारा स्टेट के राइट्स जो भी थे सब चीज़ का ध्यान रखा जब पेशवे की डेथ हो गई. टू पेशवा हु सक्सीडेड
Madhav Rao, namely Narayan Rao and Swami Madhav Rao did not live long. अब पेशवे में दो जन थे जो ध्यान रखते थे. First one is the Madhav Rao, and namely Narayan Rao and Swami Madhav Rao. But वो दोनों बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं हो पाए. It was difficult for them to survive for the long time. Their ultimately death set in. अब उनका जो डेथ था, their ultimately death set the decline of Maratha power. और जब ये पेशवे की भी डेथ हो गई तो क्या हो गया, मराठा पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एंड दिस टाइम द मुगल पावर हैड ऑल्सो बिकम वीक. बट जब मराठा पावर डिक्लाइन हो रही थी दैट टाइम मुगल पावर ऑल्सो बिकेम वीक. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल स्ट्रिक अमंग द मराठा सरदार. अब देख रहे कि मुगल के पास, मुगल बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मराठास का पावर भी डिक्लाइन हो गया है, तो इसका एडवांटेजेस ब्रिटिश ने लिया और वो मराठास के इंटरनल मैटर में अफेयर करने लगे. पेशवा बाजीराव टू वॉज डिफिटेड बाय द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. द ब्रिटिश वॉट एंटायर इंडिया अंडर द डोमिनेंस. अब क्या हो गया, पेशवा बाजीराव टू वॉज डिफिटेड बाय ब्रिटिश और ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया और पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया. नाउ शुड वी लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. शुड वी गो और शुड वी स्टॉप हियर? विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. विल वाइंड अप हियर टुडे. ये पूरा एक बड़ा पॉइंट है, आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर. ये तीन पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू.